से और आज तक, कल की मेरी जो लाइफ थी और आज की मेरी जो लाइफ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह आपको शिफा देने वाला बनाया है, जरिया मैं आया आपके पास, तो काफी हद तक मेरे को अच्छा लग रहा है। छोड़ी लीजिए, नंबर था, छोड़ी लीजिए, छोड़ी लीजिए, रहिए करते रहिए, छोड़ी लीजिए, नंबर था। रिलैक्स, ये डायरेक्शन में सीधा होना, अपनी स्पेलिंग सीधा करना है। अच्छा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट सांस लेते रहना है। माशाल्लाह, रिपीट इट 5 टाइम्स। फील बेटर, कल 50% तो मार के चला। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक और क्लाइंट आए हैं, मनवी से आए हैं, जिनका नाम मोहम्मद अबीद है। ये काफ़ी दिनों से परेशान थे अपने बैक पेन को लेके, काफ़ी जगह इन्होंने बताया था, फ़ोन करके कल मॉर्निंग मेरे पास आए थे। कल मॉर्निंग से अभी तक 24 घंटे के में 4 सेटिंग में मेरे हिसाब से प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया हूँ। अभी भाई का जो भी रिव्यू है जानते हैं। अबीद भाई, आपको पेन कब से था? मेरे को पेन 3 साल से मेरे को शिकायत थी बैक पेन और सर्वाइकल और लैम्बर का। काफ़ी डॉक्टरों के पास बताया, मैं हमें फिजियो भी कराया और अकोपंचर कराया और कटिबस्ती जो बोलते पंचकर्मा वो भी कराया और अलग 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 जो बोलते गए वो कराते गया। कहीं पे भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला मेरे को, वो कराए थोड़ी देर तक, रहा 2 दिन 8 दिन रहा, फिर उसके बाद वही रिपीट वैसा ही होने लगा मेरे को। और काफ़ी दिनों के बाद सोचते सोचते लास्ट में देखा आपका एक ऐड देख के, फिर फ़ोन करा मैं आपको। आपको फ़ोन करने के बाद आप अपॉइंटमेंट दिए, आने के बाद कल से और आज तक, कल की मेरी जो लाइफ थी और आज की मेरी जो लाइफ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह आपको शिफा देने वाला बनाया है, जरिया मैं आया आपके पास, तो काफ़ी हद तक मेरे को अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। अल्लाह ताला मुझे ऐसा ही रखे और इससे अच्छी सेहत दे मेरे को और आपको और हम सबको भी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है और बोलना चाहे तो बहुत कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरे को सेहत रखें अल्लाह ताला, दुआ है बस अल्लाह ताला से। और शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहरहाल दोस्तों, कोशिश हमारी रहती है, शिफा देने वाले तो अल्लाह ताला है। अगर आप लोगों के पास भी कोई अगर ऐसी शिकायतें हैं बैक पेन के तालुक से, कमर के तालुक से, गर्दन के तालुक से, तो कभी भी जो है ना बेहिचक होकर यहाँ पे आप कंसल्ट कर सकते हो। तो जो भी फ़ायदा मिलेगा उसका, आपको जो भी फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे, वो सब फ़ायदा जैसे जैसे आप मैसेज बाहर पहुँचाएंगे लोगों तक भी जो है ना अच्छा मैसेज जाएगा यहाँ से। तो बहरहाल आबिद भाई जब आए थे मेरे पास, काफ़ी सारी जगह जाके जैसे कि बताया कि फिजियोस को मिले, कट्टी बस्ती कराए थे आपने और न्यूरो ऑर्थो को सबको मिले थे, सब लोग आबिद भाई को एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफस्टाइल लेके बाहर भेजे दे के बाहर भेजे थे, जैसे कि कमर में दर्द है आगे झुकना नहीं, घुटनों में दर्द है नीचे बैठना नहीं, लिमिटेड एक्टिविटी करना, लॉन्ग टाइम जर्नी नहीं करना, ये पूरे नेगेटिव जितने भी काउंसलिंग रहते हैं, वेट नहीं उठाना, उसकी वजह से आबिद भाई जो है ना फुल फ्रीज हो गए थे। अभी से जब मेरे पास आए थे ये हालत थी, ये जो है ना फ्रीज की हालत है। जब मेरे पास आए थे आबिद भाई, आने के बाद उनको धीरे 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 जैसा ओपन अप हो गया, इन ओपन अप कर करके अभी आबिद भाई का स्टेज ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे ख्याल से 7 साल का प्रॉब्लम है जी। अभी और 2 से 3 सेटिंग आबिद भाई को आना पड़ेगा मंथली 1 मरतबा जी। अभी मेरे ख्याल से इतना तो है आबिद भाई का हाल। जी, जी, हाँ,
पहले ये लेवल लेके आए थे, अभी इतना ओपन अप हो गए सो है, धीरे 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 जो है ना ये पूरा ओपन अप हो जाएंगे। इसके लिए अभी भाई का सेल्फ एफर्ट की जरूरत है। जो भी हम एडवाइस देते हैं अभी भाई, वो एडवाइस फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करें आगे चल के। जितना आप मेहनत करेंगे, जो भी मेरे एडवाइस है जो उसको फॉलो करेंगे, तो आगे चल के काफ़ी फायदा होगा। थैंक यू। आबिद भाई का लाने के बाद, कंसल्टेशन करवाने के बाद एक शख्स का नाम लिए जिनका नाम है एवी चंद्रशेखर साहब। बोले कि आप मेरे बॉस से बात कर लीजिए। मैं बोला आपके बॉस से बात करने की ज़रूरत क्या है? बोले कि मेरे बॉस नहीं है, वो मेरे जो है ना फादर के समान है, मेरे अब्बा से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मुझे बच्चे के जैसा देख लेते। बोल के बाद में वो सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैं चंद्रशेखर साहब को बात किया, तब उनसे मैं बात कर रहा था, तो तभी मुझे एहसास हो गया कि आबिद भाई के बारे में उनके दिल में कितना दर्द है। इसलिए हो सकता एवी चंद्रशेखर साहब की जो तड़प है, इस जिसके वजह से आबिद भाई को जो है ना आज ये रिजल्ट मिला है। और एवी चंद्रशेखर साहब को भी अल्लाह ताला सेहत दे। आप जो दर्द लेके घूम रहे इनके आबिद भाई के बारे में, जो भी दर्द ले आबिद भाई, कल उनका नाम लेने के बाद आँख में आंसू भी आ गए थे। चंद्रशेखर साहब, आई सल्यूट यू।